वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज का इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करने वाला हूं कि एक भाई का कमेंट आया है, वो भी बहुत अच्छा कमेंट है जो कि आप लोगों को इस कमेंट से सीख मिलेगा और इसी के ऊपर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि यह सीख मिलेगा। जो कि एक भाई का कमेंट आया कि सर मैं जब भी जेसीबी ऑपरेट करता हूँ मेरे को डर सा बना रहता है। मेरे कहीं नए नए जो मशीन सीख करके आए थे तो हमें भी मन में डर था कि मशीन पलटी ना हो जाए, कैसे मशीन को ऑपरेट करेंगे तो कहीं पे मतलब कोई भला बुरा ना बोलेगा, यानी कि बोलेगा कि अच्छा ऑपरेटर है। तो यह सब करने के लिए आपको एक चीज़ सबसे पहले आपको करना होगा जो कि मन का डर रहता है, जो पैदा रहता है मन में, जो डर होता है कि यहाँ पे जा रहे हैं काम करने, हाथ थरथरा रहा है, कैसे उसको ड्राइव करें। तो इसके ऊपर ऐसा आज मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को मन से डर हट जाएगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए तभी आप लोग समझ पाओगे, कुछ सीख पाओगे। खास करके यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक भाई को यदि अगर मेरा उन्होंने कमेंट किया है कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, कहूँ कि अगर एक भाई ने कमेंट किया है तो ऐसा बहुत सारे नए नए हेल्पर भाई होंगे जो मशीन सीखते होंगे, उसको भी सीखते टाइम में डर होता होगा, मशीन हिलता भी होगा तो उसको डर लगता होगा कि मशीन कहीं पलटी ना हो जाए। और सीखने के बाद आपके ऊपर जिम्मेवारी यानी कि लोड पड़ गया है कि आपको मशीन चलाना है। सबसे बड़ी डर होता है जिम्मेवारी। जिम्मेवारी का मतलब बोले तो आप किसी का मशीन पे चढ़े हो, आपका मशीन अगर उन्होंने दे रखा है तो आपको डर सा बना रहेगा कि इसका मशीन मैं कैसे ऑपरेट करूँगा, ऑनर जो है ऑनर को मैं खुश रख पाऊँगा या नहीं, ऑनर को मैं ढंग से काम करके दे पाऊँगा या नहीं, इसका भी मन में डर रहता है। और कहीं पर अगर उल्टा सीधा काम रहता है, मेरे कहने का मतलब नीचे खत्ते एरिया में यानी कि पोखरा में टपाना है, नदी नहर में गिरा लेके जाना है मशीन को, और कहीं पे अगर कच्चा मिट्टी रहता है और ज़्यादा ऊपर रहता है तो उस पे आपको चढ़ाने में दिक्कत होगा मशीन को, या ऊपर चढ़ाते वक्त दिक्कत होगा, इसमें डर होगा। कहीं पे आप अगर लोडर मान जाते हो कच्चा मिट्टी रहता है मशीन झुक भी जाएगा, इसमें भी आपको डर हो सकता है। तो गाइस इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरा आने वाले न्यू अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस इस वीडियो में लोडर का भी मैं ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि एक कमेंट लोडर का भी आया था कि सर मैं लोडर अच्छी तरीका से नहीं मार पा रहा हूं, तो इसके ऊपर भी बताऊंगा। तो गाइस वीडियो ना टाइम ले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस आज जो बात करेंगे, आज एक चीज़ पे बात करेंगे जो कि बहुत सारे हेल्पर भाई को डर लगता है मशीन ऑपरेट करते टाइम में। हेल्पर भाई हो जो नए नए मशीन सीख करके गए हैं उसे भी डर लगता है, तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं ऑपरेटर भाई से बता दूँ और हेल्पर भाई से भी बता दूँ कि डर हमेशा बना रहता है मशीन पे कि ये काम मेरे से उल्टा तो नहीं हो रहा है, जो काम करने जा रहा हूँ उसमें तो दिक्कत तो नहीं हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो सबसे बड़ी डर तो इसमें भी होता है, कहीं पे अगर आप अगर पैर गिराने के लिए जाओगे तो आपको ये डर बना रहेगा कि वो पैर मेरे ऊपर वापस ना गिर जाए। तो इसको बहुत ही टेक्निक से गिराया जाता है, हालाँकि यह वीडियो मेरा है नहीं, फिर भी मैं यह वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हूँ, इसमें मैंने कुछ बोल के बताया हूँ। गाइस एक वीडियो मैं और दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बोलता है कि मेरे को लोडर ऑपरेट करते टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि गहरा तो नहीं हो रहा है, लेवल क्यों नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक तरीका से मशीन का जो लोडर है वो लगा चुका है और एक ही तरीका से मतलब मारते जा रहा है, देख सकते हो कॉर्नर उठा हुआ है, इसी प्रकार से आप मारोगे तो आपका लेवल से मशीन चलेगा और जेसीबी का जो लोडर आप मार सकते हो बिल्कुल लेवल से, ठीक है। तो इस काम में भी आपको डर बन सकता है। मेरे कहने का मतलब गाइस कहीं भी अगर आप अगर काम करने के लिए जाओगे, कोई सा भी काम हो, कोई सा भी, और मतलब मेरे कहने का मतलब जेसीबी से रिलेटेड, जेसीबी से आप कोई सा भी काम करने जाओ उसमें भी आपको डर लगता है, डर बना ही रहता है। चाहे पुराना सा पुराना ऑपरेटर हो, नया सा नया ऑपरेटर हो या हेल्पर भाई हो, सभी को डर बना रहता है। जैसा कि मैं इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक ट्रक जो है रोड से नीचे उतर चुका है, ठीक है, और इसको मशीन से मतलब पहले उठा करके इसको चेक किया गया है, क्योंकि पहले इन्होंने आजमाया है कि यह ट्रक का लोडिंग कितना है। तो ये तो खाली है, अब यहाँ से धक्का देना है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें भी डर होता रहता है, ऑपरेटर भाई को डर इसमें भी होता है। मैं इसलिए बोला हूँ कि डर एनी टाइम बना रहता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया हूँ कि जेसीबी ऑपरेट करते थे, क्या आपको डर लगता है? क्या जेसीबी का लोडर आप ढंग से नहीं ऑपरेट कर पाते हो? क्या जेसीबी का बूम आप ढंग से नहीं चला सकते हो? इसके बारे में बताया। तो गाइस आप लोगों को वीडियो 110% आप लोगों को पता चल गया होगा कि डर क्यों बनता है, मशीन का लोडर कैसे ऑपरेट होता है, मशीन का बूम कैसे ऑपरेट होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ तक अपना वीडियो था, तब तक के लिए जय हिंद।